friends, in this video I'm going to talk about what is DLI number. It's important when you're applying for colleges or universities, when you're applying for Canadian study or study visa, study permit. So jab aap Canada ke liye apply kar rahe ho to uske liye aapko DLI number is very very important. Basically it is designated learning institute number. Why it's important? Because if your college or university has a DLI number, only then you can get work permit, and then only then you can apply for PR behalf of that. Because and also if you're changing your college, if you're changing to a new college, that new college should have a DLI number. I already have a one video on this, but I just wanted to update because since new people are coming, like joining this channel every day, so I just want to update everyone that DLI number is very very important. Because a lot of people, kuch bahut log jo hain India se ya kahin se bhi aaye hain consultant ke through, aur कहीं ना कहीं कहीं मैं ऐसे नहीं बोल रही, सारे कंसल्टेंट कोई गलती करते हैं जानबूझ के, शायद उनको पता नहीं चला होगा या कुछ भी अनजाने में हुआ होगा, लेकिन आप भी रिसर्च कर सकते हैं. ये बेसिकली आपने ये एक मैं नीचे लिंक दे दूंगी, उसमें आपने देखना है, तो वो लिस्ट होगी वहाँ पे. अगर आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का DLI नंबर है वहाँ पे, दैट्स फाइन, दैट्स ऑसम. अगर वहाँ पे आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी का DLI नंबर नहीं दिया हुआ है, तो आप उस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करोगे वर्क परमिट, मतलब स्टडी परमिट के लिए, क्योंकि स्टडी वीज़ा उस बेस पे मत लगाना, क्योंकि आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा उसके बाद. बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे आए हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, बाद में स्टडी पूरी होने के बाद 2 साल अपने फीस भरी, मेहनत करी, सब कुछ किया, स्टडी कंप्लीट की, लेकिन उसके बाद आपको कंप्लीशन लेटर मिलता है यूनिवर्सिटी, उसके बाद आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो, तो वर्क परमिट के लिए आपको वहाँ पे DLI नंबर होना चाहिए, तो उनको वर्क परमिट नहीं मिला, तो उसके 2 ही रिजल्ट हैं उसके बाद, या तो आपको इंडिया या पाकिस्तान या कहीं भी बांग्लादेश वापस जाना पड़ेगा और फिर से स्टडी अप्लाई करनी पड़ेगी, और फिर आप वर्क परमिट उसके बाद 2 साल के बाद फिर से करना पड़ेगा सब कुछ, 2 साल के बाद फिर आप वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो. अदरवाइज यू हैव टू फाइंड एन एम्प्लॉयर हु कैन हायर यू राइट अवे. मेरी एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ है जिसको यहाँ पे नहीं मिला जॉब, इवन कि उसने यहाँ पे स्टडी की थी, उसको वर्क परमिट नहीं मिला, उसका कोई और रीज़न था जो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, शायद मैं नीचे उसको डाल दूँगी एंड में. पर बहुत रीज़न है वर्क परमिट ना मिलने के, ऐसा होता है स्टूडेंट्स के साथ. ये ऐसा भी होता है कि आपने कॉलेज सही नहीं चूज़ किया, अगर कॉलेज आपने ऐसा नहीं चूज़ किया जिसका DLI नंबर है, अगर आपने ऐसा कॉलेज नहीं चूज़ किया तो आपको वर्क परमिट में प्रॉब्लम आएगी, और बाद में आप PR के लिए अप्लाई करते हो तो आपको अपनी एप्लीकेशन में उसका DLI नंबर भी देना होता है. अगर आपका कॉलेज में DLI नंबर नहीं है तो PR जो है फिर सिर्फ आपके एम्प्लॉयर के हाथ में रह जाती है कि वो आपको दिलवाएगा या नहीं. पर अगर आपने सही तरीके से स्टडी की है और उसके बाद वर्क परमिट लिया है, उसके बाद 1 ईयर का एक्सपीरियंस लिया है, तो आप अपने बेस पे ही 1 ईयर का एक्सपीरियंस लेके कनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे आप PR ले सकते हो. That's it for today, and if you have any question, please comment below and I'll be very happy to answer back or make a new video for you guys. And don't forget to like, share and subscribe, and I'll see you in my next video. Bye bye.